हकीम साहब, और इसी के साथ अगर मैं बात करूं गांठों को लेके, तो व्यक्ति के शरीर में हम तमाम गांठें देखते हैं। जब तक वो तकलीफ नहीं देती तब तक हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसी वो तकलीफ देती हैं तो हम ऑपरेशन कराने की सोचते हैं, लेकिन आपसे ही हमने सुना है कि आप ऑपरेशन भी करा लीजिए लेकिन वो गांठें आपकी दोबारा आनी ही आनी है। तो गांठों को लेके हम रोकथाम क्या कुछ कर सकते हैं, और जो गले में गांठ होती है क्या वो भी निकलनी संभव है? देखिए, गांठों की भी किस्में हैं। कुछ गांठें बहुत आसानी से घुल सकती हैं दवाइयों से, कुछ चर्बी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है वो नहीं भी खुलती है, लेकिन गांठों से ज़्यादातर नुकसान नहीं होता, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं होती जो उसकी जान पर बनाए। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ गांठें आदमी को बहुत बर्दाश्त नहीं होती और बुरा लगता है, कहीं पर नुमाया जगह पर जैसे चेहरे पर, हाथों पर, तो वो बुरी लगती है, तो ज़रूरत पड़ने पर उसे रिमूव भी करा सकते हैं। लेकिन इलाज वो करना होगा जब गांठों का जो बनने का सिलसिला शुरू हो गया, उस चैन को तोड़ना पड़ता है। और उस चैन को तोड़ने के लिए बड़ा आसान नुस्खा भी है, आप कोशिश करके देख लें। मैं अक्सर बताता हूँ कि एक खाने का सोडा, एक चुटकी नमक जैतून और दो चुटकी हल्दी रोज़ाना एक मर्तबा लिया करें। इससे चर्बी तो तहलील होती, पिघलती है, निकलती है, और गांठें बनने का सिलसिला टूट जाता है। जैसे किसी बीमारी की चैन को हमें तोड़ना होता है, जैसे वायरस आया तो लॉकडाउन कर दिया गया, लोगों को अपने घरों में बंद कर दिया गया, तो जहाँ वायरस था वहीं रुक गया, वो चैन टूट गई और कैसेस कम होने लगे। ऐसे ही ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये आदमी के शरीर में गांठों के लिए लॉकडाउन है। जितने दिन आप दवा लेते हैं उतने दिन जिसम में गांठें बनने का लॉकडाउन शुरू हो जाता है, और फिर वो चैन टूट जाती है, तो फिर आप आसानी से अच्छे हो सकते हैं।